हेलो क्लास, वेलकम टू माय चैनल मैं विकास सर। इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था एसिड के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज की हमने बात करी थी। आज हम बात करते हैं बेस। बेस की हम उसी कॉमन चीजें क्या क्या है बेस में जो हमको जानना बहुत जरूरी है, दूसरा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा, और छोटे मोटे टॉपिक्स और हैं हमने क्लियर कर दिए। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज से बेस। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सबसे पहले हमें छोटी मोटी चीजें बेस क्या होते हैं अगर मैं पूछू, मैं एक बार पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखाऊं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। वैसे अगर मैं जरूरी पूछू तो बेस क्या होते हैं, बेस आर बेटर एट टेस्ट सोपी टच करने में, जैसे साबुन हमारा बेस आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है, मैं बताऊंगा आपको सोपी इन, अगर मैं उसे टच करूंगा सोपी इन टच, और क्या क्या होता है ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, बेस न्यूट्रलाइज एसिड। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो छोटे मोटी चीजें और है हमारे पास कि स्ट्रॉन्ग बेस हम किन्हें कहेंगे, वीक बेस हम किन्हें कहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस की जनरल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेस क्या होते हैं, बेटर इन टेस्ट। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं सोप्स आर, जैसे बेस के बारे में बेस आर बेटर, कड़वा होता है बेटर इन टेस्ट। ठीक है, अगर मैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज बोली फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेन कर रहा हूं तो क्या होता है, अगर मैं इसे टच करूंगा तो कैसे होते हैं, सोपी होते हैं। ठीक है, जैसे साबुन की तरह बिल्कुल रफ होते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन प्रॉपर्टीज आपकी ऐसी है जो कि किस में आ जाती है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि बेस में क्या चीज कॉमन है, तो कॉमन क्या है बेस में, जिसे अच्छा जो मेन डेफिनेशन अगर मैं लिखने को बोलूं, जैसे मैं एसिड में दे रहा था ना कि दे रिलीज एज पॉजिटिव है, तो अगर हम बेस की बात करें तो क्या रिलीज करेंगे, ओ एच नेगेटिव है। तो ये छोटी मोटी प्रॉपर्टीज और है, अगर मैं यहां पर बात करूं बेस इज रिलीज ओ एच नेगेटिव, इसको मैं क्या बोलता हूं हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल। ठीक है, एक ही पॉइंट आ जाएगा हमारा कि जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, ओ एच नेगेटिव हाइड्रोक्सिल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, और एक और यहां पर अगर मैं बोलूं तो एक डेफिनेशन और क्लियर कर देते हैं, अगर कहीं पे वर्ड यूज होता है एल्केली, एल्केली हम वर्ड यूज करते हैं, तो एल्केली क्या जो वर्ड हम यूज करते हैं आप लोग बेस के लिए यूज करते हैं, बस थोड़ा सा फर्क इतना है कि जरूरी नहीं कि सारे के सारे बेस के हों वाटर सोल्युबल, तो जो बेस वाटर सोल्युबल होते हैं उन्हीं को मैं क्या कहूंगा एल्केली। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेसिस विच आर वाटर सोल्युबल। ठीक है, जो बेसिस वाटर सोल्युबल होते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं एल्केली। क्लियर, तो ये हमने यहां पे टॉपिक क्लियर कर दिया। जैसे कि अगर मैं एक आज एग्जांपल दूं तो यहां पर मैं एग्जांपल ले सकता हूं जो भी बेसिस, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लो एनिओएच कास्टिक सोडा, ठीक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लो, ठीक है इंडिया को मन इंडिया रखना, और एक आप ले लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे बेसिस क्या है वाटर सोल्यूबल, आप इसमें पानी मिलाओगे तो क्या हो जाएगा कंप्लीटली खुल जाएगा, तो ये क्या हो जाते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल। इसीलिए मैं क्या कहूंगा क्लियर हो, तो मैंने कुछ पहले बेसिक चीज आपको बताई फिर मैं टॉपिक वाइज आऊंगा। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि भाई क्या होते हैं बेटर टेस्ट होते हैं, टच करने को सोपे होंगे, ओएच नेगेटिव, ये वाला आ जाता है व्हाट इज कॉमन इन, कॉमन इन जैसे वहां पर ना व्हाट इज कॉमन इन ऐसे, तो कॉमन इन बेस अगर मैं यहां पर पूछू तो क्या चीज आपको बेस में कॉमन देखने को मिलती है, ये बोलते ना कि बेस रिलीज ओएच नेगेटिव है हाइड्रोक्सिल। ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया आपको एल्केली कैसे करते हैं, वो बेसिस जो क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, छोटे मोटे और टॉपिक है उनको क्लियर करते हैं। एक आ जाता है आपके पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस हम उन्हें कहते हैं जो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं आयनाइज हो जाते हैं इसमें वाटर, तो स्ट्रॉन्ग बेस को क्लियर कर देते हैं बेस विच कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, आप इसे वाटर में डालोगे ये क्या हो जाता है कंप्लीटली आयनाइज जाते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ ओएच निकलेगी हाइड्रोक्साइड जो ज्यादा देर उन्हीं को हम क्या कहेंगे स्ट्रॉन्ग। जैसे कि इसमें हमारे पास एग्जांपल आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब अगर वहीं पर मैं बात करूं वीक बेस की, ठीक है दूसरा अगर मैं क्लियर कर रहा हूं
व्हाट आर वीक बेसिस, तो सेम आ जाएगा बेसिस या बेस विच पार्शियली आयनाइज इन वाटर, उनको हम कहेंगे। या ये भी इसके दूसरी डेफिनेशन अगर मैं दूं, विच प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ ओएच नेगेटिव आयन, उनको मैं क्या कहता हूं वीक बेसिस। इसमें हमारे पास एग्जांपल आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो हम एंटासिड लेते हैं जो एसिडिटी दूर करने के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ एग्जांपल हो गए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस के। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स में यहां पे आपको क्लियर करते जा रहा। और जैसे कि ये रिलीज ओएच नेगेटिव आयन कॉमन में आ गए, एक चीज और, बेसिस आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक क्वेश्चन हमारे पास जैसे ऐसे कंडक्ट करती है ना, वैसे बेस भी कंडक्ट करता है। तो उस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मेन अगर हम पर्पस रीजन पूछे तो क्या है कि इसमें भी क्या है ओएच नेगेटिव आयन, जो भी ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, क्या कर देता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी बहुत ही कॉमन इन केस में। और जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये कैसे ओएच नेगेटिव है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते, जैसे सपोज करो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रिंक करके देखा था आपको, ठीक है ना, वाटर में डाल कर, ये क्या देते हैं, एक तो मेरे को देते हैं एनायन पॉजिटिव और दूसरा क्या देते हैं ओएच नेगेटिव। इसी तरीके से सारे के सारे कुछ भी देते हैं आपको, मैं देता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ले लूंगा या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ले लूंगा, तो आप देखोगे ये सारे के सारे मुझे क्या दे रहे हैं ओएच नेगेटिव। यही कारण है कि मैं इनको किस कैटेगरी में रखा हूँ, बेसिक कैटेगरी में रखा हूँ। तो आप कैल्शियम में ले लो, कैल्शियम पर टू पॉजिटिव हो जाएगा प्लस ओएच नेगेटिव, और अगर मैं इसको लूं तो मैग्नीशियम पर टू पॉजिटिव हो जाएगा प्लस ओएच नेगेटिव, बैलेंस कर सकते हो आप। बस आपको समझ में आ रहा है, तो ये कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हो गए हमारे पास बेस से रिलेटेड। अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो यहां से होगा, क्या प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है। इसमें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बताई थी, ये वाली प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं फिजिकल बेसिस आर बेटर इन टेस्ट सोपिंग इन टच। तो मैं बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ये बेस की प्रॉपर्टीज में हम एक चीज और बोल रहे हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो मैं इसमें हीपे पर कुछ स्टार्टिंग पॉइंट, अगर मैं हीपे दूं तो मेन जो आपका लिटमस पेपर टेस्ट है, जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देंगे। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे तो क्या होगा, वो रेड हो जाएगा। रेड को डिप करोगे तो कोई फर्क नहीं आता है। तो वही अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस को जो लिटमस पेपर टेस्ट अगर मैं करूंगा, लिटमस पेपर टेस्ट, तो ये क्या करेगा, रेड टू ब्लू, ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड टू ब्लू। और अगर आप ब्लू वाला डिप करोगे ना, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमें ध्यान रखनी, कौन सी लिटमस पेपर टेस्ट वाली, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब बेस रिएक्ट करे किससे, मेटल से। तो बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो अब आ जाते हैं यहां पे, बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म, एक तो सॉल्ट बना देगा और दूसरा क्या देगा हमें, हाइड्रोजन गैस। इसको मैंने जनरल क्वेश्चन में टाइम दिया कि जब भी कोई बेस इसमें रिएक्ट करेगा, मेटल से रिएक्ट करेगा, तो हमें क्या दे देगा, एक तो हमें दे देगा सॉल्ट और दूसरा क्या दे देगा हाइड्रोजन। तो मैं यहीं पर बात करता हूं, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक से रिएक्शन करता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेस हमारा, इसकी अगर जिंक से रिएक्शन करा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमको देगा, देखो मेन तो आपको याद रखना हाइड्रोजन का, दूसरा क्या देगा, सोडियम जिंक Na2Zn, ये है आपका सोडियम जिंक, ठीक है। और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में आते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि हमको दे दिया एनिमल प्लस जिंक, तो आपने ध्यान देना कि अगर बेस की मेटल से रिएक्शन होगी तो हमको क्या दे देगा। अब मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं, यहाँ पे सोडियम के दो हैं, यहाँ पे हम दो लगा देते हैं, ठीक है। जिंक के ऑलरेडी कितने हो गए हैं, दो हो गए यहाँ पे। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे आ गया आपके पास सोडियम जिंक, एक है कुछ मुश्किल, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन होगी जब बेस मेटल से रिएक्ट करते तो हमें क्या देता है, सोडियम जिंक। वही अगर मैं बात करूं अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या दे देंगे, तो अगर मैं सेकंड में निकालू तो उसे वही कर देते, ठीक है। जब भी बेस एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या दे देगा, सॉल्ट प्लस, ठीक है। अब यही जो रिएक्शन है इसे तो हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
तो क्लास जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या हमारे पास जब भी बेस एसिड एसिड बेस दोनों जगह आ रही है, एक बार हमने एसिड वाले टर्म में बताया था, एक बार बेस वाले टर्म में, तो जब भी आप इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो एक तो हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसमें काफी सोडा का नहीं जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मैं एसिड की रिएक्शन रिएक्शंस करा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है ना, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा वाटर, ये आ गया आपके पास सॉल्ट। क्लियर हो रहे हैं टॉपिक्स, ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। एक बार मैंने किसके साथ पढ़ा, मेटल के साथ पढ़ा, एक बार मैं किसके साथ देख रहा हूं उसको एसिड के साथ। तो ये हमारी हो गई कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अगर मैं मेटल ऑक्साइड के साथ बनाऊ उसको, जब भी नॉन मेटल के साथ बनेगा, अगर मैं थोड़ा देख रहा, जब भी बेस इसके साथ नॉन मेटल ऑक्साइड तो भी हमारे पास क्या दे देगा, एक तो सॉल्ट दे देगा और दूसरा क्या दे देगा हमको वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड से हम क्या ले लोगे, जैसे कार्बन में नॉन मेटल और ऑक्सीजन इसका ऑक्साइड होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं किसी की रिएक्शन किसके साथ करूं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कराऊंगा तो मुझे क्या दे देगा, ये सॉल्ट होगी। तो इसके साथ एक रिएक्शन ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बेस है, वीक बेस है, मैंने आपको बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करा दो, क्या दे देंगे सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई है किसकी, बेस, ठीक है। और यूजेस में अगर मैं बात करूं तो कई सारे यूजेस आते हैं इसके, जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये कहां यूज होता है, साबुन बनाने के इस्तेमाल होता है, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये क्या है, बिल्कुल मैग्नीशियम, ये एज एंटी एसिडिक यूज होता है, कहां पे, जब हमारे स्टमक में एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ इनके यूजेस है। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं क्लास। तो जो अब हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। ये मैंने एक पीएच ग्राफ आपके सामने बना दिया, ठीक है। पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये हमें बताता है कि कौन सा कितना एसिडिक है और कौन सा बेस है। इस एक स्ट्रिप है हमारे पास जिसको बोलते हैं पीएच स्केल, ये हमारे पास पीएच स्केल है, इससे हमें पता चलता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, और एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, तो प्लस ये हमारे पास, ठीक है, ये पीएच है। अगर मैं बात करूं उसको समझ, इसको क्लियर कर लेते हैं, तो मेन होता है इसका सेंटर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, क्या होता है ये न्यूट्रल, ये होता है इसका प्योर वाटर, मतलब वाटर क्या होता है ना, एसिड नॉर बेस, ठीक है ना, कोई एसिड है ना बेस है, इसका जो कलर होगा वो होगा आपका ग्रीन कलर, क्लियर है, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। अब जैसे जैसे मैं इधर की तरफ बढ़ता जाऊंगा राइट हैंड साइड को 14 तक, तो इसका मतलब धीरे धीरे क्या कर रहे हो, मोर बेस की तरफ जा रहे हो। अगर मैं बात करूं यहां से 10 तक की, तो ये हो जाता है आपके पास वीक बेस, ठीक है। और जब आप इससे आगे बढ़ोगे जैसे कि 12, 13, 14, ये हो जाते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है उसका पीएच क्या है, वैल्यू क्या होता है आपका, बोलोगे 14। और ये धीरे धीरे करके किसकी तरफ जाता रहता है, डार्क ब्लू की तरफ, डार्क क्लियर है। अब जब मैं एसिड की बात करूं तो जैसे कि आप जैसे जैसे लेफ्ट साइड में जाओगे वैसे वैसे आप किसकी तरफ चलते जाओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर मैं बोलूं 4, 5, 6, तो ये हो जाते हैं आपके पास वीक एसिड, ठीक है। और जैसे जैसे आप 4 से नीचे आओगे खासकर 1, 2, 3, तो ये वाले क्या हो जाते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और इनका कलर कैसे होता है, ये होता है आपके पास डार्क रेड, धीरे धीरे करके ऑरेंज या फिर येलो, इस तरीके से सब अलग ग्रे, इसी को देख करके हम बताते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कितना एसिडिक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या एसिड में, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये हमें पीएच स्केल हेल्पफुल करता है एसिड और बेस में उसकी स्ट्रेंथ दिखाने में, क्लियर ना। जैसे मैं बात करूं तो एग्जांपल अगर करके जो कॉन्सेंट्रेट एसिड जितने भी होते हैं उनके अप्रोक्सीमेट 0 और 1 के आसपास है, क्लियर ना। तो यहां पर अगर 0.50 या 0 समथिंग किस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड को दिखा रहा है, और जो एसिडिक जो हमारे पेट में स्टमक में होता है उसका 1.4, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक का 6, जो मिल्क जो पीते हैं 6.5, तब भी लैक्टिक एसिड का वाटर में जल्दी कन्वर्ट होता है, ठीक है। प्योर वाटर का 7, ब्लड का 7.4, देखो जो प्योर वाटर होता है उसमें कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जो प्योर वाटर है उसका जो पीएच होगा वो कितना होगा, 7। और इस तरीके से टूथपेस्ट 8, मतलब बेस है, ठीक है। इसमें अभी आगे क्लियर करूंगा टूथपेस्ट किस तरीके से हमारे दांतों के लिए, जब हम टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं तो किस तरीके से हेल्पफुल नेचर होता है,
तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि पीएच की जो इंपॉर्टेंस, कहां से इंपॉर्टेंस, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, वहां किस तरीके से हेल्प करता है। देखो जब हम एक्सेस खा देते हैं, जब हम ज्यादा लेते हैं, तो हमारे पेट में क्या हो जाता है, इन डाइजेशन कब होता है, एक्सेस ईटिंग जिसे कहते हैं ओवर ईटिंग, एक्सेस ईटिंग, ठीक है। या फिर जैसे समोसे तेज चीज खाने से, उस टाइम पे जो हमारे पेट में क्या हो जाता है, एसिड एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटा एसिड। एंटा एसिड मीन्स एंटी एसिड को उल्टा करना, एंटी एंटा एसिड में न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ एसिड, तो इन्हीं को हम बोलते हैं एंटा एसिड, जिसमें सबसे पहले नाम आ जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सारे बड़े बड़े ध्यान रखने एंटा एसिड किसे कहते हैं, फाइंड आउट द एंटा एसिड फॉलोइंग ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो ये क्या होता है, थोड़ा वीक बेस होता है, ज्यादा नहीं लेंगे अदरवाइज ये हमारे स्टमक को हार्मफुल कर देगा, तो इस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इस तरीके से अगर हमारे पेट में इनडाइजेशन होता है एक्सेसिव ईटिंग से, तो यहाँ पर भी पीएच को न्यूट्रलाइज करने का, जो हम पीएच जानते हैं तभी जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड अगर मैं बात करूं टूथ डीके, टूथ डीके जो हमारे दांतों में जो कीड़े लगना फायदे लगने क्या कारण होता है, देखो होता क्या है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, वो ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, ब्रेक डाउन शुगर। अब कोई भी चीज हो, चलो मीठी चीजें खानी, चॉकलेट आप खाना वाना खाओ, उसमें भी ग्लूकोज शुगर सब प्रेजेंट रहता है, तो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन शुगर टू एसिड, ये किसको किसमें तोड़ते हैं, एसिड की तरफ तोड़ते हैं। अब रात को सपोज आपने कोई खाना वाना खाया, ठीक है, तो क्या होगा, रात के टाइम पे जो आपको मुंह पे या दांतों में बैक्टीरिया होंगे उसको ब्रेक डाउन करेंगे, किसमें, शुगर टू एसिड। अब जब ये एसिड की तरफ जाएगा तो हमारे जो टूथ है, जो दांत है, उसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, एसिड। तो अब ये बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, पेस्ट करें, टूथपेस्ट में रखा, तो ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। तो हो गया ना, किस तरीके से टूथपेस्ट ने काम किया हमारा, किसके, पीएच के न्यूट्रलाइजेशन, तो ये भी एक वो है, क्लियर है। और जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है प्लांट एंड एनिमल, प्लांट एंड एनिमल यहां पर कैसे हेल्प कर रहा है। अब देखो जैसे कि सपोज फैक्ट्री से निकलने वाला जितना भी जो वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी उसमें केमिकल्स वगैरह रहते, सारे सारे वहां जाते हैं, नदी नालों में जाते हैं, वहां पर वो किस तरीके से एक्वाटिक एनिमल को हार्म करते हैं, जितने भी केमिकल्स हैं मैक्सिमम केसेस में हम उसको एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। अब वो जब पानी में गए हैं तो वो क्या कर देते हैं, उसकी एसिड के लेवल बढ़ा देते हैं, जिससे होता क्या है, जितनी भी उसके अंदर मछली मेंढक जितने भी एक्वाटिक एनिमल है वो सबके सबको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। देखो किस तरीके से प्लांट है, इस तरीके से प्लांट भी होता है, किसी फील्ड में जहां उसका पानी जा रहा है फैक्ट्रियों का, वहां पर प्लांट भी बेकार होना शुरू हो जाते हैं, तो उस असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को या चूना, किसके ऊपर, जो भी पाउडर उसके ऊपर चूना डाल देते हैं, वो क्या करता है, उसके असर को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो किस तरीके से जो पीएच है ये एनिमल और प्लांट को भी अपना इफेक्ट करता है, ठीक है। अब छोटी चीजें से निकाल हुआ दिखाते हैं, जो बीज होती है हमारी, या फिर जिन्हें हम क्या कर देते हैं, मधुमक्खी कह देते हैं, ये तो हम उसको लिख देते हैं हनी बी, ठीक है। अब एक होता है, ये हो गया आपका मधुमक्खी, ये हो गया तितली। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, जब भी आपको मधुमक्खी काटे तो ये हमारी बॉडी में क्या डाल देती है, एसिड डाल देती है, एसिड इन स्किन, किसकी, हमारी बॉडी में, और तो जब भी आपको मधुमक्खी काटे तो आपने समझेंगे इसने हमारी जो बॉडी में क्या इंजेक्ट कर दिया, एसिड इंजेक्ट कर दिया। तो अब आप वहां पर क्या करो, घर में बेकिंग सोडा आया है या फिर एंटा एसिड कोई सा भी, जैसे कि इनो पड़ा हुआ, थोड़ा सा वहां पर रब कर दो, तो आपको पता है जैसे आपने एसिड में बेस डाला तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। लेकिन ध्यान देना ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपने जनरल नॉलेज के लिए, कुछ तो नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन हमें पता होना चाहिए, जब हमें ततैया काटता है, वास काटता है, तो वो हमारे बॉडी में क्या, एल्गेलाइन, या मैं ये बोलूं ये बेस इंजेक्ट कर देता है किसमें, हमारी बॉडी। तो अब वहां पर आप क्या, ये मत सोचना किसी चीज ने भी काटा बार बार बेस या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लगा, तब यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, वेनेगर, मतलब किसमें होगा, जिसमें सिट्रिक एसिड हो, जैसे कि हमारे नींबू, तो ततैया के काट के तो हमें नींबू लगाओगे तो आपको क्या मिलेगी, आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। तो ये दो चीजें हैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से अगर कोई चीज काटती है तो आपको क्या चीज अप्लाई करोगे, नहीं तो हम अधिक तरीके से सोचते हैं कि मधुमक्खी ने काटा तो उसमें बेस लगा दिया,
ठीक है। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके से पीएच की इंपॉर्टेंस हो जाती है। ऐसे ही जो फर्टिलाइजर से पीएच होता है प्लांट में, जैसे जो खेती बाड़ी होती है वहां पर भी क्या होता है, किसानों को क्यों कहा जाता है कि आप अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग खेती करें। इससे होगा क्या, जो सॉइल की जो पीएच है ना वो मेंटेन रहती है। अगर आप एक ही कैटेगरी के प्लांट को जैसे क्रॉप्स को लगाते हो तो उससे आपकी सॉइल क्या हो जाएगी, खराब होने शुरू हो जाती है, इसकी ह्यूमस भी खराब हो जाती है और उसका पीएच भी गड़बड़ा जाता है, मोर एसिडिक, मैक्सिमम केस में एसिडिक ही होता है। तो जब एसिडिक होगा तो उसमें फसल अच्छे से नहीं हो पाती। इसलिए सलाह दी जाती है कि पहला काम तो अब आप क्या करो, बार बार हर टाइम इंटरवल पे अपनी फसल को चेंज करो, और दूसरा मार्केट में आप जाकर के अपने एल्कलाइन सॉइल को टेस्टिंग करा सकते हैं, जो फूड वगैरह जो रहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर वगैरह जितने भी रहते हैं, आपने सॉइल को जब वो लैब में टेस्टेड करेंगे और आपकी अगर खेत में सॉइल में एसिड की मात्रा ज्यादा मिलेगी तो आपको रिकमेंड करेंगे भाई ये बेस है, आप इसका छिड़काव अपने खेत में कर देना, तो न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूट्रल खेत में सबसे अच्छी खेती। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ आज का, बेस और इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच और उससे रिलेटेड हमारे छोटे मोटे टॉपिक्स आपको डेली लाइफ में बताना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे, और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।